वेलकम टू imagination.com। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जो ड्रेसेस होती है, जैसे मम्मी का सूट है ये वाला, ठीक है, तो इसकी ना लंबाई छोटी है। सो ये सूट तो बहुत ही प्यारा है बट लंबाई में छोटा है। इसको हमने, जैसे कि मदन ने पहनना है पजामे के साथ, तो इसलिए मैं इसको लंबा करना चाहती हूँ। सो अभी मार्केट से हम लेकर आए हैं लेस, और लेस मैं समझा देती हूँ आपको कि लॉन्ग वाली इस टाइप की लेस ले लीजिए। अगर ये इतनी लंबी वाली मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर इसकी हाफ वाली मिलती है तो फिर दो बार लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है, एक बार इसी के साथ अटैच करके ऐसे। सो मेरे लिए, मुझे तो मिल गई है लंबी वाली। सो मैंने जितना भी ये नीचे का घेरा था, इससे एक इंच इस साइड पे और एक इंच इस साइड पे, इतना दो घेरे के जितना ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर दो आगे और पीछे दोनों साइड पे लंबा करना है, तो दो घेरे का ले लिया है। अब उसको मैंने बीच में से कट कर दिया। सो ये टोटल जो मेरी लेस आई है, ये आई मेरे पास 1.5 मीटर की लेनी पड़ी, क्योंकि घेरा थोड़ा सा ज्यादा था इसका सूट का, इसलिए। सो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इतना घेरा है तो इतने के लिए मुझे 1.5 मीटर लेनी पड़ी लेस, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इसका जो प्राइस है, ये किसी किसी जगह पे आपको 80 रुपीज की मिल जाएगी पर मीटर, और किसी किसी जगह पे 100 रुपीज पर मीटर मिल जाएगी, क्योंकि ये चौड़ी है। सो मुझे 80 रुपये मीटर में मिल गई थी। अब इसका क्या करना है, सीधी वाली साइड देखेंगे कौन सी है, जो ऊपर को उठा होता है, मेनली स्मूथ है, यहाँ से थोड़ा सा रफ है, यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ है, तो ये वाली साइड हमारी सीधी साइड है, ये साइड हमारे इसके ऊपर की साइड पे हम लगाएंगे। तो आइए सीखते हैं कि सिलाई मशीन से कैसे लगाए। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो लेस है, इसका जो कॉर्नर है, यहाँ से इसको हम एक बार फोल्ड किया, फिर दूसरी बार फोल्ड किया, ताकि फिनिशिंग आ जाए। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ही ली है लेस, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये, क्योंकि कॉर्नर जो है इसको फिनिश करना है। अब मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, स्ट्रेट स्टिच ही यूज कर रही हूँ आज मैं, ठीक है। तो मैं भाई स्ट्रेट स्टिच करके आती हूँ। इस पे लगाई है, अब इसके ऊपर ऊपर हम ये रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ना स्टोन्स है, तो आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल स्टोन के ऊपर आपकी सुई ना आए, नहीं तो सुई टूट जाएगी। अदरवाइज आपको ऐसा प्रॉब्लम कुछ हो रहा है कि लगता है कि भाई सुई इसके ऊपर भी आ रही है सिलने में, तो आप ये नीचे से, जो नीचे इसके स्टोन होंगे, इसको इस तरीके से हाथ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं ऐसे, अदरवाइज वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर ना आए, मैंने एक आपको निकाल के दिखा दिया है। अभी इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल आराम आराम से इसको चलाएंगे। देखो बहुत ही आराम से मैंने इसको चला रही हूँ स्पीड पे, और इसको अब मैं पीछे करूंगी रिवर्स, ताकि यहाँ पे टांका कंप्लीट पक्का हो जाए। अभी फिर आगे की तरफ चलाऊंगी, अभी इससे आगे की तरफ चला रही हूँ, आप भी पक्का कर लेना। और बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिच कर रही हूँ, ध्यान से देख देख कर, ताकि मेरी जो सुई है वो ना टूटे। अब यहाँ पे मेरे मोती आ रहा है, उससे बिल्कुल बचा के चलूंगी इसको, और देख देख के चल रही हूँ, ऐसे ही पूरे में सिल लेंगे। एक चीज़ याद रखें कि कभी भी लेस को ऐसे खींच खींच के ना लगाएं, जैसे ये आ रही है ना नॉर्मली रख दीजिए और वैसे ही लगाएं। इसके ऊपर मैं इतना रख देती हूँ और यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। और एक और काम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मेरा मोती आएगा ना, यहाँ पे मैं इसे इतनी जगह पे सिलूंगी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से स्टिच कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मोती आएगा, इधर मैं रुक जाऊँगी और इसको ऊपर ले लूँगी, और इतना चीज़ छोड़ दूँगी इतनी जगह, फिर आगे आ जाऊँगी और फिर स्टिच करूँगी इतना इतना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतना हिस्से पे स्टिच करो, यहाँ से जितनी मेरी फिंगर है, फिर यहाँ पे छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से स्टिच कीजिए, ताकि मोती भी बच जाए। अब इसके आगे सिलना तो आसान है, क्योंकि यहाँ पर अब ज़्यादा कपड़ा आ गया नीचे की तरफ, तो अब मैं आसानी से सिल सकती, तो मैंने इसलिए अब स्पीड फास्ट कर ली है, अब आराम से स्टिच कर दूंगी। अब ये लास्ट में आ गया है, इसको टर्निंग करनी है, तो ऐसे हल्का सा एक बार टर्न और दूसरी बार टर्न करके इसको यहाँ तक स्टिच करूँगी और फिर नीचे की साइड पे ले जाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो बिल्कुल ध्यान से करना है कॉर्नर पे भी स्टिच। मेरी लेस का इस साइड पे कपड़ा थोड़ा कम बचा है, तो मैं क्या करूँगी कि इसको ऐसे ही रख दूँ, और आप अब ज़िगज़ैग स्टिच कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कम है और लेस के हमने रेशे भी नहीं निकालने, इसलिए। सो एक्चुअली जब लगाते हैं लेस तो थोड़ा सा डिफरेंस रह ही जाता है, तो मैं ज़िगज़ैग करूँगी, और मैंने यहाँ से 4 नंबर पर कर लिया।
हमारी लेस बिल्कुल फिनिशिंग से लग गई है। यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर सही ढंग से मिलाना है, कुछ इस तरीके से। सो सफाई से लग जाएगी, ठीक है। सो दूसरी साइड भी है, तो इस तरीके से यहाँ पे लग गई। ऐसे ही मैं बैक साइड पे लगाऊंगी। आप इसकी टर्निंग जो साइड वाली है वो थोड़ा सा एक एक इंच एक्स्ट्रा बाहर निकाल लीजिए, देख लीजिए पहले कि पूरा आ रहा है कि नहीं, और फिर बाद में उस साइड की टर्निंग को मोड़ सकते हैं। ये भी तरीका अच्छा है। सो आप बताइएगा कि आप किस तरीके से लेस को लगाते हैं। आगे वाला पार्ट है और ये पीछे वाला, बैक साइड से दिखा रही हूँ, बहुत ही सफाई से लगी है। और ये जो साइड वाला पार्ट है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपकी जिगजैग वाली है तो ये लेस पे जब हम चलाते हैं तो जिगजैग चलाइए, अगर सीधी वाली मशीन है तो सीधा चला सकते हैं, तो वो अच्छा रहता है। थैंक यू।